हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, जो कि आपको 18 नवंबर को यहाँ पर होगी। और कॉमर्स विद्यालय की ओर से यहाँ पर आयोजित बीएड जो पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा है, आगामी जो 18 नवंबर आएगी उस पर यहाँ पर की जाएगी। और विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं, जो कि दिनेश चंद्रा ने, उन्होंने बताया कि इससे पूर्व यहाँ पर जो है परीक्षा के लिए 21 नवंबर को तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब संशोधन करके डेट को आगे बढ़ाने की जगह पीछे कर दिया गया है, मतलब कि आगे कर दिया है पीछे उठाने की जगह। तो देख सकते हैं कि पहले 21 को था, अब यहाँ पर आपका जल्दी हो जाएगा, 18 नवंबर को यहाँ पर हो जाएगा। तो उपनगर कर्मचारी यहाँ पर 6 दिन भी जारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन। यहाँ पर देख सकते हैं कि एसटीएच मेडिकल वाले जो यहाँ पर कॉलेज में तैनाती को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन का यहाँ पर चला हुआ है। तो वही बात करें यहाँ पर कॉलेज की प्रवेश फॉर्म को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन भी यहाँ पर जो करना होगा प्रवेश फॉर्म। तो यहाँ पर MBBG कॉलेज में जो है स्नातक प्रथम वर्ष की जो है शेष जो बची हुई सीटें हैं उसको दाखिला देने के लिए यहाँ पर कॉलेज पहले आओ पहले पाओ की नीति यहाँ पर अपना रहा है। और यहाँ पर जो है प्राचार्य डॉक्टर BR पंत ने बताया कि करीब जो है 700 सीटें यहाँ पर रिक्त हैं। अब बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के पोर्टल में जो है पंजीकरण कराने वाले छात्रों को यहाँ पर जो है पंजीकरण फॉर्म प्रिंट आउट और सभी दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी जो है संबंधित संकाय में जो है जमा करनी होगी। और इसके बाद जो है छात्रों को जो है कॉलेज के पोर्टल पर सभी जानकारी भरनी होगी और ऑनलाइन भरी जानकारियों को जो है विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का होगी। तो 700 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, इन पर जो है प्रवेश आपका हो जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी जो है 7 नवंबर को जो है घेरेंगे CM आवास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जो है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने से यहाँ पर जो है नाराजगी जताई है। और मोर्चा ने यहाँ पर 7 नवंबर को CM आवास घेराव करने की यहाँ पर जो है चेतावनी दी है। और मोर्चा ने जो है यहाँ पर CM आवास घेराव की जो है तैयारी भी यहाँ पर जो है तेज़ी से कर ली गई है। तो यहाँ पर 7 नवंबर को जो है घेराव करने वाले। तो वही बात करें यहाँ पर संस्कृत शिक्षकों ने यहाँ पर जो है नियुक्ति की मांग उठाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अखिल भारतीय योग संगठन उत्तराखंड ने जो है प्रदेश सरकार से माध्यमिक विद्यालय में योग और यहाँ पर जो है संस्कृत शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की मांग की है। और इनके संबंध में जो है भाजपा अध्यक्ष जो कि सतपाल सिंह राजपूत के माध्यम से जो है प्रदेश सरकार को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की ओर से जो है 23 सितंबर को जो है योग और यहाँ पर संस्कृत के शिक्षकों को यहाँ पर जो है इनको भरने की मांग कर रखी है। तो वही बात करें पर उत्तराखंड में यहाँ पर कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में जो आपकी विज्ञप्ति जारी किया गया था आपके होमगार्ड के, इसका यहाँ पर जो है फिजिकल होना शुरू हो चुका है। तो इसमें यहाँ पर जो है आपके टोटल जो यहाँ पर होमगार्ड की पोस्ट थी यहाँ पर 83 की समथिंग थी। तो इन पदों के लिए यहाँ पर जो है आपका लगातार जो है 18 दिन तक जो है यहाँ पर फिजिकल है, अलग अलग डेज वाइज है। तो 15 नवंबर से जो है आपका यहाँ पर जो है होगा और ये 3 तारीख तक 2 तारीख तक आपका यहाँ पर चलेगा, जो कि टाइम और शेड्यूल यहाँ पर रोल नंबर वाइज यहाँ पर जारी कर रखा है। तो इसके लिए जो है आपके जो भर्ती का स्थल है रिजर्व पुलिस लाइन जो पिथौरागढ़ में यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इसमें यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं दस्तावेज, आपकी समस्त दस्तावेज यहाँ पर होने चाहिए इसके हिसाब से जो भी आपके यहाँ पर रोल नंबर वाइज है। तो इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो इन पदों पर जो है आपकी भर्ती कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और 72 घंटे की आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR ये लानी भी ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ये सबको लेके आना है। और जो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड हो जारी किया है उसको लेके आना है। और सुबह जो है मॉर्निंग में आपको 8 बजे पहुँच जाना है जो यहाँ स्थल दे रखे हैं। तो इन पर जो है आपका यहाँ पर जो इस स्थल यहाँ पर है और इसमें रोल नंबर वाइज जारी कर रखे हैं, तो इन पर जो है आपको पहुँचना है समय पर। और वहीं बात करें आज की लेटेस्ट जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रबंधक सहित जो है विभिन्न पदों पर रिक्त पद हैं। इस पर जो है राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निर्वेशन और कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है वैकेंसी निकल के आई है प्रबंधक के। इस पर यहाँ पर 217 पोस्ट हैं, 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी कर सकते हैं। इस पर जो है पदानुसार जो है शुल्क निर्धारित कर रखा है। इसके लिए जो है यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज ठीक है .rajasthan.gov.in यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं दूसरी वैकेंसी आपको भी देखने को मिलेगी जो ग्रेजुएट और यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस के रिक्त पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस और ITI और टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर जो है 90 पद हैं, 18 से 26 वर्ष के युवा कर सकते हैं इसमें। और www.AAI.AERO यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन कर। और वहीं बात करें यहाँ पर नियुक्ति को लेकर जो है बेरोजगार फार्मासिस्ट का धरना। तो यहाँ पर जो है दीपावली के मौके पर जो है नियुक्ति समिति जो है विभिन्न मांगों को लेकर जो है बेरोजगार फार्मासिस्ट का धरना जो है 79 दिन भी यहाँ पर चला। और इसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू नहीं होने तक जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। तो भर्ती शुरू करने की मांग रखी है। और प्रशस्ति बेरोजगार डिप्लोमा
एलोपैथिक फार्मासिस्ट विगत जो है 19 अगस्त से यहाँ पर जो है लगातार जो है एकता विहार पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर आंदोलनरत हैं और मांगों के संबंध में जो है कोई ठोस यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष जो कि महादेव गौड़ा, उन्होंने बताया कि 8 दिन के यहाँ पर जो है आमरण अनशन के बाद जो है मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के माध्यम से जो है प्रकरण में जो है जल्द जो है सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर धरना देने वाले का नाम हम लिखे गए हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है 19 अगस्त से लगभग जो है 80 दिन होने वाले हैं और 8 दिन से इनका जो है आमरण अनशन चला हुआ है। अभी तक जो है इनकी मांग नहीं है, थोड़े से यहाँ पर आश्वासन मिला है कि हो जाएगा करके, तो जल्दी इनकी भर्ती करने की यहाँ पर मांग किया हो गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 9 विभागों की, जो यहाँ पर 75 जो सेवाएँ होंगी 9 नवंबर से यहाँ पर जो है मिलेंगी ऑनलाइन, तो बड़ी जो है राहत मिली है। तो अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन काम होगा सेवाओं को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे होगी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो अपनी सरकार पोर्टल के जरिए यहाँ पर सेवाओं का जो है लाभ उठाने का सबसे पहले यहाँ पर जो है ये वेबसाइट जो है लॉन्च कर रखी है। इस पर जो है यहाँ पर जो 72 सेवाएँ हैं 9 विभागों की, वो सब सेवाएँ यहाँ पर जो है जारी कर दी गई हैं और CM से लेकर जो है CM तक यहाँ पर करेंगे मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर जो है CM यहाँ पर जो है खुद इस चीज़ की जो है मॉनिटरिंग करेंगे और लगभग जो है यहाँ पर इन विभागों को यहाँ पर जो है अपनी सरकार जो है यहाँ पर जो है सुविधाएं मिली हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखते हैं रेस्क्यू है यहाँ पर पंचायत राज है और यहाँ पर जो ऑफिस ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट है और अकाउंट डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है और यहाँ पर फोरिंग है और उसके बाद यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, लेबर है यहाँ पर एन यहाँ पर जो है NB है। तो इन विभागों पर जो है यहाँ पर सुविधाएं अब ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। और वहीं बात करें फर्जीवाड़े को लेकर, देख सकते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो है लगातार कई शिक्षक जो है यहाँ पर प्राथमिक लेवल में फर्जीवाड़े की तरीके से पकड़े जा रहे हैं और फर्जी मार्कशीट पर जो है नौकरी कर रही जो शिक्षक है उसको बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं उदयसिंह नगर की बात है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है निज़ामगढ़ में जो है फर्जी अंक तालिका के आधार पर जो है नौकरी कर रहे जो शिक्षक है मुख्य शिक्षा अधिकारी जिनकी CEO ने जो है बर्खास्त कर दिया है और उसकी जो ज्वाइनिंग के समय जो है पर एक युवती की मार्कशीट पर जो है अपना नाम अंकित कर जो है धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की थी। और यहाँ पर जो है कासमपुर गांव निवासी जो कि संजय कुमार फर्जी शिक्षक दस्तावेज के आधार पर जो यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है नियुक्ति पा ली थी और वर्तमान जो है उनकी तैनाती राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है निजामगढ़ में यहाँ पर की थी। और इस मामले पर जो शिकायत होने पर जो है हाईकोर्ट ने जो है जाँच के आदेश जारी किए थे और उसके बाद हाईकोर्ट के क्रम में और शिक्षकों के दस्तावेज की जहाँ पर जाँच कराएगी, जिसमें यहाँ पर जो है जो संजय कुमार नाम का उन पर जो है हाईस्कूल की जो है अंक तालिका में फर्जी पाए गए और अंक तालिका जो है पूनम नाम की जो कोई लड़की थी उसकी थी। और उसके बाद जो है संजय कुमार ने यहाँ पर जो है कूट रचित जो है तरीके से अपना जो है नाम चढ़ा लिया था और यहाँ पर जांच अधिकारी ने जो है संजय से जो है लिखित जवाब मांगा, लेकिन उसने जो है अपना पक्ष में जो है भी नहीं यहाँ पर रखा और यहाँ पर फर्जी अंक तालिका के आधार पर जो है नौकरी लगने के आरोपों को सही यहाँ पर पाते हुए जो है जिला शिक्षा अधिकारी इनकी बेसिक AK ने यहाँ पर जो है 2 माह पहले जो है संजय कुमार को जो है निलंबन कर जो है यहाँ पर ABO दफ्तर से यहाँ अटैच कर दिया था और मामले की जांच जो है यहाँ पर ABO ठीक है आसाराम को यहाँ पर सौंप दिया था। और अब ABO ने यहाँ पर जो है आरोपों को जो है सही पाते हुए जो है अपनी रिपोर्ट जो है विभाग को जो प्रस्तुत कर दी है और DO बेसिक AK सिंह ने बताया कि यहाँ पर जाँच आख्या जो है के आधार पर जो है आरोपी जो शिक्षक है यहाँ पर संजय कुमार उसको यहाँ बर्खास्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से धांधली को लेकर कई लोग पकड़े गए। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा 40-45 कई लोग हरिद्वार से पकड़े गए थे, तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर PRT में ही यहाँ पर जो है धांधली करने के आरोपी पकड़े जाते हैं। तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी शिक्षा उत्तरकाशी की तरह यहाँ पर विज्ञप्ति काउंसिल यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इसके लेकर यहाँ पर एक संशोधन कर दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्यालय द्वारा यहाँ पर सहायक अध्यापक के प्राइमरी शिक्षा के पदों पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर अभ्यर्थी को दिनांक 1/11/2021 को बुलाया गया था और वहीं 2/11/2021 को भी बुलाया गया था। काउंसिल निर्धारित की गई थी जिनमें यहाँ पर जो अर्ह अभ्यर्थी की सूची है आंशिक संशोधन करते हुए यहाँ पर जो है 1/11/2021 को जो है ज्ञान वर्ग और यहाँ पर 2/21 को जो है विज्ञानतर वर्ग की ओर से यहाँ पर आयोजित की गई थी और संशोधित सूची जो है इस वेबसाइट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैंने यहाँ पर जो है कल ही जारी कर दिया था, इसका जो है लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और सूची यहाँ में जो है समृद्ध जो ऐसे अर्ह अभ्यर्थी को जो है दिनांक 1/11/2021 और 2/11/2021 कोई काउंसलिंग में जो है उपस्थित नहीं हो पाए उन्हें जो है पुनः एक यहाँ पर अवसर प्रदान करते हुए यहाँ पर जो है 9/11/2021 को यहाँ पर काउंसलिंग हेतु यहाँ पर जो है तिथि निर्धारित की जाती है। और यहाँ पर कहा गया है कि उक्त तिथि को जो है अनुपस्थित रहने पर जो है यह संज्ञान में लिया जाएगा कि
आप जो है जनपद उत्तरकाशी में जो है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक नहीं है और इसके उपरांत जो है काउंसलिंग का कोई यहाँ पर जो है दावा स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है अंतिम मौका दे रखा है 9 को, और उसके बाद जो है आपका कोई भी जो है यहाँ पर लिस्ट नहीं होगी जिनका नाम आ रखा है, ऐसा बताया गया है, जिससे यहाँ पर जो है आपके जो नाम है उसमें हटा दिया जाएगा बाद में, ऐसा बताया गया है। तो इन पर जो है अनुपस्थित होने की वजह से, तो काफ़ी लोग अनुपस्थित हैं उससे पहले भी, तो लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, बहुत लोग जो है अनुपस्थित हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है NISDREd वाले जो है मुख्यमंत्री आवास कुछ करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर जो है अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास पर कूच करने वाले हैं। तो शिक्षक भर्ती में जो है शामिल करने की मांग को लेकर जो है आंदोलनरत NISDREd 7 व 8 नवंबर को जो है CM आवास कूच करेंगे, और शुक्रवार को यहाँ पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जो कि यहाँ पर कपिल देव, उन्होंने जो है पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो सरकार जो है बेरोजगार के साथ धोखा कर रही है, और उसका जो है आरोप लगाते हुए कहा कि हमें जो है लगातार, जबकि NCT ने यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त कर दी है लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं कर रही है, इस तरह का जो है आरोप लगाए हुए हैं, और जो कि यहाँ पर जो प्राथमिक लेवल पर हमको जो है नियुक्ति प्रदान करें, इस को लेकर जो है इनकी मांग चल रखी है। अब जो है यहाँ पर 7-8 को यहाँ पर कुछ करने वाले हैं CM आवास पर।